निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्व अंतर लिखिए। तो यहाँ हमें श्रेणी दी गई है -5, -1, -3, -7। तो यहाँ स्पष्ट है कि श्रेणी का प्रथम पद -5 है। तो यहाँ प्रथम पद है -5 और सार्व अंतर हम जानते हैं कि यदि हम -1 में से -5 को घटाएं तो हमें सार्व अंतर मिलेगा। बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाने से हमें सार्व अंतर मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो सार्व अंतर यहाँ हो गया -1, -5, -1, -5 और ये मान हो गया -1 + 5 अर्थात यह मान 4 के बराबर है। तो श्रेणी का प्रथम पद है -5 और सार्व अंतर है 4। संख्याओं की निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। पहला प्रश्न है 4, 10, 16, 22 इत्यादि और दूसरा प्रश्न है जिसमें हमें अनुक्रम मिला है -2, -2, -2, -2 इत्यादि। अब हम पहले प्रश्न को लेते हैं। तो पहले प्रश्न में हम जांच करते हैं कि क्या हम सार्व अंतर प्रत्येक स्थिति में बराबर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो पहले प्रश्न में दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं अर्थात हमने यहाँ a2 - a1 को प्राप्त करना है। a1 यहाँ पहला पद ले लिया, a2 दूसरा पद है, a3 तीसरा, a4 चौथा इत्यादि हमने मान लिया। तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, a2 - a1 प्राप्त करते हैं। यह मान हो गया 10 - 4 क्योंकि दूसरा पद है 10, पहला पद है 4। तो 10 - 4 हम प्राप्त करते हैं कि 6 आ गया। अब हम a3 - a2 निकालते हैं जो कि क्या आता है 16 - 10 क्योंकि यहाँ 16 जो है वो तीसरा पद है, दूसरा पद है 10, तो 16 - 10 = 6। पुनः हम a4 - a3 को प्राप्त करते हैं। a4 - a3 यहाँ आता है 22 - 16 अर्थात 6। तो प्रत्येक स्थिति में हमने पाया कि हम समान मान प्राप्त कर रहे हैं जो कि 6 है अर्थात यह अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है, एपी है, जिसका कि सार्व अंतर 6 है। तो पहले प्रश्न में हमने क्या देखा, पहला प्रश्न में अनुक्रम समांतर श्रेणी है और उसका सार्व अंतर 6 है। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न में पुनः हम पहले पद को a1, दूसरे को a2, तीसरे को a3, चौथे को a4 इत्यादि लेते हैं। तो हम दूसरे प्रश्न में जब a2 - a1 निकालते हैं तो ये क्या आएगा, दूसरा पद है 2, उसमें हमने घटाया -2 को, तो ये हो गया 2 - -2 अर्थात 2 + 2 जो कि 4 के बराबर होता है। अब a3 - a2 से हम क्या प्राप्त करेंगे, -2 क्योंकि तीसरा पद -2 है, उसमें से जब दूसरे पद को घटाया अर्थात -2 को घटाया तो ये हो जाएगा -2 - -2 अर्थात -2 + 2 जो कि 0 के बराबर आता है। अब हम a4 - a3 निकालते हैं, तो a4 - a3 यहाँ आता है 2 - -2 क्योंकि स्पष्ट है a4 अर्थात चौथा पद है 2, जब उसमें से माइनस करेंगे -2 को तो ये हो जाएगा a4 - a3 अर्थात 2 - -2 जो कि 2 + 2 अर्थात 4 के बराबर है। अब यहाँ स्पष्ट है कि सार्व अंतर हमें समान प्राप्त नहीं हो रहा है। पहली स्थिति में ये 4 आया है, फिर 0, फिर 4। तो यहाँ क्योंकि प्रत्येक बार में जो अंतर है वो समान प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए दिया गया अनुक्रम, दी गई सूची जो है अंकों की, वो समांतर श्रेणी नहीं है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के सार्व अंतर ज्ञात कीजिए तथा उनके अगले 4 पद भी लिखिए। पहला प्रश्न है जिसमें हमें समांतर श्रेणी मिली है 0, -3, -6, -9 इत्यादि इस क्रम में, और दूसरी समांतर श्रेणी हमें मिली है -1, -5/6, -2/3 इत्यादि।
अब यहां हम देखते हैं कि पहली समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो है शून्य, पहला पद है शून्य और दूसरा पद है -3। तो यहां यदि हम समांतर श्रेणी के पदों को A1, A2, A3, A4 इत्यादि से निरूपित करें तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से हमें सार्वांतर मिल जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि A2 - A1 बराबर होगा -3 - 0। दूसरे पद में से हमने पहले पद को घटा दिया, -3 दूसरा पद है उसमें से हमने पहले पद को घटा दिया, तो ये मान हो गया -3 के बराबर। अर्थात यहाँ दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से हमें -3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब हम तीसरे पद में से दूसरे को घटाते हैं तो A3 - A2 हमें क्या मिलेगा, -6 - -3। अर्थात -6 + 3 जो कि -3 के बराबर है, और चौथे पद में से तीसरे को घटाने से A4 - A3 हमें मिलता है -3। तो प्रत्येक स्थिति में हम देखते हैं कि हमने -3 प्राप्त किया है। तो यहाँ स्पष्ट है कि सार्वांतर कॉमन डिफरेंस डी -3 के बराबर है। अब हम अगले चार पदों को देखते हैं, हमें प्रश्न में उनके समांतर श्रेणी के अगले चार पद भी लिखने हैं। तो यहाँ हमें चार पद दिए गए हैं, हमें अगले चार पद लिखने हैं, हमको A4 तक प्राप्त है। तो A5 क्या होगा, A5 होगा A4 + D। तो अगले चार पदों के लिए A5 का मान निकालेंगे तो चौथे पद में हमें सार्वांतर जोड़ना पड़ेगा, अर्थात A4 + D इसका मान होगा। स्पष्ट है कि A4, हम देखते हैं कि A4 है -9, तो -9 में जब हमने सार्वांतर अर्थात -3 को जोड़ा तो हम प्राप्त करते हैं -12। तो हमारा A5 हो गया -12। अब A6 निकालते हैं तो A6 ज्ञात करने के लिए हमें A5 में D जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पांचवें पद में जब हम सार्वांतर जोड़ देंगे तो हमें छठा पद मिल जाता है। ये मान हो जाएगा -12 + -3, क्योंकि सार्वांतर D जो है वो -3 के बराबर है। पांचवा पद हम -12 ज्ञात कर चुके हैं, -12 में हमने -3 जोड़ा तो हम प्राप्त करते हैं -15। A7 निकालते हैं, A7 हमारा हो जाएगा A6 + D, छठे पद में सार्वंतर जोड़ा, ये हो गया -15 + -3 अर्थात -18 के बराबर। और आठवां पद A8 होगा A7 + D, अर्थात यह मान हो गया -18 + -3 जो कि -21 के बराबर है। तो इस प्रकार हमने इस समांतर श्रेणी के अगले चार पदों को ज्ञात कर लिया। पांचवां पद A5 - 12 है, छठा पद A6 - 15 है, सातवां पद A7 - 18 है और आठवां पद A8 - 21 के बराबर है। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में हमें समांतर श्रेणी मिली है -1, -5/6, -2/3। तो यहाँ हम सार्वांतर ज्ञात करते हैं। यहाँ पुनः हम देखते हैं कि A1 जो है वो है -1, A2 है -5/6, A3 है -2/3। तो A2 - A1 का मान हम प्राप्त करते हैं, ये हो गया -5/6 -1। पुनः देखें हमारा जो दूसरा पद है, दूसरा पद क्या है, -5/6, पहला पद है -1। तो -5/6 में से हमें माइनस का एक को घटाना है, तो बाद वाले पद में से हम पहले वाले पद को घटाते हैं। तो A2 - A1 -5/6 -1 जो कि हो गया -5/6 + 1 अर्थात 1/6, ये हमारा सार्वांतर हो गया। अब हम तीसरे पद में से दूसरे को यदि घटाएं तो पुनः हम देखते हैं कि A3 - A2 -2/3 -5/6 के बराबर होगा, क्योंकि
तीसरे पद का मान माइनस दो बटा तीन है, उसमें से हमने माइनस पांच बटे छह को घटाया तो ये हो गया माइनस दो बटा तीन प्लस पांच बटा छह, अर्थात हम प्राप्त करते हैं कि ये मान एक बटा छह के बराबर है। तो दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, ये हमने प्राप्त कर लिया क्योंकि सार अंतर यहाँ पर बराबर है। दोनों स्थितियों में जो अंतर आया है बाद वाले पद में से पहले पद को घटाने से वो बराबर आया है, अर्थात यहाँ पर एक बटा छः डी का मान सार अंतर का मान एक बटा छः है। अब हम अगले चार पद को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हमें ए थ्री का मान दिया गया है, ए थ्री तक का मान हमें ज्ञात है, चौथा पद निकालते हैं। तो ए फोर, चौथा पद ए फोर हो जाएगा ए थ्री प्लस डी, डी हमारा है एक बटा छः, ए थ्री हम देखते हैं कि माइनस दो बटा तीन है, तो ए थ्री में जब डी को जोड़ा ये मान कैलकुलेट किया छः लघुत्तम हो गया, छः लघुत्तम हो गया और अंश में हमने प्राप्त किया माइनस चार प्लस एक जो कि माइनस तीन बटा छः के बराबर हुआ, अर्थात मान हो गया माइनस एक बटा दो। तो चौथे पद का मान माइनस एक बटा दो है। पांचवा पद निकालें ए फाइव, उसके लिए हमें ए चार में डी को जोड़ना होगा, ए चार प्लस डी पांचवा पद ए फाइव होगा। अब चौथा पद हम एक माइनस एक बटा दो निकाल चुके हैं तो ए फोर की जगह हमने लिख दिया माइनस एक बटा दो, डी हमारा है एक बटा छः, तो माइनस एक बटा दो प्लस एक बटा छः लघुत्तम हो गया छः, अंश में हमारा क्या आएगा माइनस तीन प्लस एक जो कि माइनस दो बटा छः के बराबर है, अर्थात मान हो गया माइनस एक बटा तीन। पाँचवा पद माइनस एक बटा तीन। अगला पद देखते हैं ए सिक्स, तो ए सिक्स ज्ञात करने के लिए हम पांचवें पद में सार अंतर को जोड़ेंगे। ए फाइव हमारा माइनस एक बटा तीन है, ए फाइव के स्थान पर हमने माइनस एक बटा तीन लिख दिया, डी हमारा एक बटा छः है तो डी के स्थान पर हमने एक बटा छः लिख दिया, कैलकुलेट किया तो लघुत्तम हो गया छः, अंश हमारा हो गया माइनस दो प्लस एक जो कि हो गया माइनस एक बटा छः के बराबर। सातवां पद ज्ञात करें तो सातवां पद ए सेवन ए सिक्स प्लस डी के बराबर है जो कि हो गया माइनस एक बटा छः प्लस एक बटा छः, क्योंकि छठा पद हम ज्ञात कर चुके हैं माइनस एक बटा छः है तो माइनस एक बटा छः हमने ए सिक्स को लिख दिया, डी हमने ज्ञात किया है एक बटा छः तो डी के स्थान पर हमने एक बटा छः लिख दिया, माइनस एक बटा छः से प्लस एक बटा छः कैंसिल हो गया मान हो गया जीरो। तो दूसरे प्रश्न की स्थिति में हम पाते हैं कि हमारा सारवंतर है एक बटा छः और जो अगले चार पद हैं वो क्रमशः माइनस एक बटा दो माइनस एक बटा तीन माइनस एक बटा छः और जीरो हैं।